सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि चेन यान वांग फोर्स के बारे में पता लगाने के लिए सिटी में आ गया था। वहां एक आदमी ने उसे बताया था कि यान वांग फोर्स को 5 फ्रेगमेंट में बांट दिया गया है। उस आदमी ने चेन को यह भी बताया था कि 3 सालों में नॉर्दर्न चू में चेन युआन लीग होती है, जिसमे युआन, यिन यांग और हाओ तियान फैमिली के स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। हाओ तियान फैमिली और यान वांग फोर्स के रिलेशन काफी अच्छे थे, इसीलिए चेन हाओ तियान फैमिली में चला गया था। वहां के लिए स्टूडेंट्स के सिलेक्शन चल रहा था, क्योंकि हाओ तियान फैमिली में स्टूडेंट्स की कमी थी, इसलिए बाहरी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे थे। जियो मिंग बिना पैसे लिए हाओ तियान फैमिली की तरफ से फाइट करने के लिए मान गया था, पर उसके बदले में शिवे से शादी करना चाहता था। शिवे ने उसे कह दिया था कि अगर तुम सिलेक्शन जीत जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। जियो मिंग सारे स्टूडेंट्स को फाइट करने के लिए चैलेंज दे रहा था, तो चेन ने उसे फाइट करके उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। फिर अब हम जियो मिंग को देखते हैं। चेन से फाइट करने की वजह से उसे काफी चोट लग गई थी और उसकी हालत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उसे चेन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, फिर भी वो चेन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर चेन दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होकर उसे बच जाता है और उसे दूर कर देता है। चेन अपने ट्रू फायर को एक्टिवेट कर लेता है और उसे 7 क्लस ट्रांसफॉर्म करने लगता है, ताकि दूसरे लोगों को चेन की असलियत के बारे में पता न चले। 7 क्लस ट्रू फायर को देख कर जियो मिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो चेन से कहता है कि तुमने मुझे पीटकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं जल्दी वापस आऊंगा और अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा, ये कहकर जियो मिंग वहाँ से भाग जाता है। चेन अपने ट्रू फायर को डिएक्टिवेट कर लेता है। वो कहता है कि क्या तुम सब इस डरपोक की इतनी तारीफ कर रहे थे जो 10 मिनट तक भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाया? वो सिर्फ एक बेवकूफ है जो कमजोर लोगों को परेशान करके खुद को पावरफुल समझता है, और मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है। खैर, अब उस बेवकूफ के अलावा क्या तुम में से कोई है जो मुझसे फाइट करना चाहता है? ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि आखिरकार हम तुमसे फाइट क्यों करेंगे, तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जो हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि जियो मिंग फेंग यून रैंकिंग लिस्ट की 66th रैंक पर है, पर तुमने अपनी पूरी पावर का यूज किए बिना उसे इतनी आसानी से हरा दिया, तो आखिरकार में हम तुमसे फाइट कैसे कर सकते हैं? तीसरा स्टूडेंट कहता है कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये स्टूडेंट से मिस यूएस से शादी करते हुए देख सकते हैं। ये सब बातें सुनकर चेन जुआन जेन की तरफ देखने लगता है और उसे पूछता है कि क्या आपको अभी भी मेरी पावर पर भरोसा नहीं है? जुआन जेन कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम फेंगयून रैंकिंग लिस्ट में कौन सी रैंक पर हो, तुम्हारी फैमिली कौन सी है और क्या तुम्हारी शादी हो गई है? ये बात सुनकर चेन चौंक जाता है और सोचता है कि आखिरकार जुआन जेन ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई फाइट नहीं बल्कि वाइफ ढूंढने का कंपटीशन चल रहा है, और इसीलिए ये मेरी असलियत जानना चाहते हैं। शुए चेन से कहती है कि हमने तुम्हें पहले कभी भी इस तरह फाइट करते हुए नहीं देखा है, तो मुझे लगता है कि तुम किन्यू हो जो फेंगयून रैंकिंग लिस्ट में 99 रैंक पर है। चेन सोचता है कि मुझे किन्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं ही किन्यू हूँ, मुझे पहले उसके बारे में पता करना होगा। चेन शुए से पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि मैं किन्यू हूँ? शुए कहती है कि पूरी फेंगयून रैंकिंग लिस्ट में सिर्फ किन्यू ऐसा स्टूडेंट है जिसे कोई भी नहीं जानता है और किसी को भी नहीं पता है कि वो कहाँ से आता है। आज तक किसी ने भी उसे नहीं देखा। इसके अलावा उसके पास भी मिस्टीरियस ट्रू फायर है। ये देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ही किन्यू हो। ये बात सुनकर स्टूडेंट चौंक जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि किन्यू ने 99 रैंक पर होकर जियो मिंग को हरा दिया। ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसने सब लोगों से अपनी असली पावर छिपा कर रखी है। उनकी बातें सुनकर चेन सोचता है कि मैंने सिर्फ ट्रू फायर को 7 कलर्स में बदल दिया था ताकि किसी को भी मेरी असलियत के बारे में पता ना चले, पर अब मुझे पता चल रहा है कि किन्यू के पास भी मिस्टीरियस ट्रू फायर है और वो लोगों के सामने नहीं आता है, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। मैं किन्यू बनकर अपना काम पूरा कर सकता हूँ, इससे किसी को मेरी असलियत के बारे में पता भी नहीं चलेगा और मैं हाओ तियान फैमिली की मदद से यान युआंग फोर्स का पता लगा लूंगा। चेन शुए से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, आज तक किसी को भी मेरे बारे में पता नहीं चला, पर तुमने मुझे एक ही बार में पहचान लिया। जुआन जेन चेन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम चेन युआंग लीग में हमारी मदद करो और हाओ तियान फैमिली की तरफ से फाइट करो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं शिवे से शादी भी तुमसे करवा दूंगा। ये बात सुनकर चेन हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो शिवे उसे अपने साथ घूमने के लिए लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चेन युआंग लीग खत्म होने के बाद मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी।
दूंगी। चेन कहता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे चेन युआंग ली के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो तुम मेरी बातों पर भरोसा करोगी। मगर शुए को समझ में नहीं आता कि चेन क्या कहना चाहता है। चेन उसे कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी शादी पहले से ही हो गई है और मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं किसी दूसरी लड़की से शादी करके अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता हूँ। यह बात सुनकर शुए थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो चेन से शादी करना चाहती थी। वो कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने पहले तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा और ये सब चीजें सोच ली। चेन सोचता है कि भले ही अभी मैं जुआन से नहीं मिला हूँ पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, हम दोनों हाओ तियान फैमिली से हैं और तुम मेरी बहन हो। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं हेल में जाऊंगा और वहाँ मुझ पर लाइटनिंग से अटैक किया जाएगा जब तक मैं राख नहीं बन जाता। ये सब सोचकर चेन शुए से कहता है कि हमें सबसे पहले तुम्हारे डेट के पास जाकर उन्हें सारी बातें समझानी होगी और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हाओ तियान की फैमिली की तरफ से चेन युआन लीग में फाइट करूंगा। ये बात सुनकर शुए खुश हो जाती है और चेन को तेज कहती है। दोनों जुआन चेन से बात करने के लिए चले जाते हैं। फिर हम जुआन को देखते हैं, वो चेन को ढूंढते हुए हाओ तियान फैमिली में आ गई थी। जुआन चेन उसे कहता है कि मैंने हाओ तियान फैमिली की पावर और कॉन्टेक्ट का यूज करके पूरे नॉर्दर्न चू में चेन को ढूंढने की कोशिश की, मगर अफसोस की बात है कि मुझे चेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जुआन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो शायद चेन नॉर्दर्न चू में नहीं होगा। आपने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए आपका शुक्रिया, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। ये कहकर जुआन वहाँ से जाने लगती है। जुआन चेन उसे रोककर पूछता है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो, क्या तुम इसी तरह हर वक्त चेन को ढूंढती रहोगी? मुझे नहीं लगता है कि ये सब करने से अब कोई फायदा होगा। जुआन कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि चेन अभी तक जिंदा है, कुछ भी हो जाए मैं उसका पता लगाकर रहूंगी, भले उसे ढूंढते हुए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए पर मैं हार नहीं मानूंगी। ये कहकर जुआन वहाँ से जाने लगती है। हॉल के बाहर शिवे और चेन आ जाते हैं। वो जुआन चेन से मिलने के लिए अंदर जाने लगते हैं पर एडा उन दोनों को रोक देते हैं। वो कहते हैं कि लीडर अभी एक खास गेस्ट से बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि कोई भी उन्हें परेशान ना करे, इसलिए आप कुछ वक्त के लिए इंतजार कीजिए। अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो मैं लीडर से बात कर सकता हूँ। चेन शिवे से कहता है कि अगर तुम्हारे डेट कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। चेन युआन लोग के खत्म होने के बाद हम उन्हें सब समझा देंगे। ये कहकर चेन और शुए वहाँ से जाने लगते हैं। जुआन हॉल से बाहर आ जाती है और चेन को पीछे से देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये चेन ही है और वो उससे बात करने के लिए जाने लगती है, मगर एल्डर उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी मिस के होने वाले हस्बैंड की न्यून है। ये बात सुनकर जुआन निराश हो जाती है। वो सोचती है कि चेन की डेट की वजह से मुझे हर तरफ सिर्फ वही अफवाह दिख रही है और शायद ये भी मेरी गलतफहमी है। ये सोचकर जुआन उड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चेन को कुछ अजीब फील होता है और पीछे मुड़कर देखता है पर इतने वक्त में जुआन वहाँ से जा चुकी थी। फिर अगले दिन हम एशियन चेन युआन सिटी के अरीना का सीन देखते हैं। सब लोग लीग देखने के लिए वहाँ गए थे। एक आदमी अपने साथी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बार कौन सी फैमिली सबसे ज्यादा परसेंट टेरिटोरी जीतेगी। उसका साथी कहता है कि अगर इनयांग फैमिली नहीं जीत पाई तो युआन फैमिली ज्यादा परसेंट टेरिटोरी जीतेगी, पर मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि हाओ तियान फैमिली इस लीग में भी कुछ नहीं कर पाएगी। जुआन चेन हाओ तियान फैमिली के स्टूडेंट को लेकर वहाँ जाता है। उन्हें देखकर वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कह दिया था कि हाओ तियान फैमिली कुछ भी नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि लीग में अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनके पास पूरे 9 स्टूडेंट्स भी नहीं है, तो आखिरकार ये लीग को कैसे जीतेंगे। अचानक जुआन चेन जोर जोर से खांसने लगता है। सब लोगों की बातें सुनकर चेन सोचता है कि हाओ तियान फैमिली की हालत काफी खराब चल रहे है और जुआन चेन भी काफी घायल है। तभी युआन फैमिली की लीडर युआन की अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ जाती है। क्यू बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी, उसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं और उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगते हैं। युआन फैमिली की तरफ से बाइली दुआनमो लीग में हिस्सा ले रहा था, उसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि दुआनमो फेंग यून रैंकिंग लिस्ट में 40 रैंक पर है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि युआन फैमिली ने इसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। तभी इनयांग फैमिली के एल्डर या अपने स्टूडेंट्स के साथ वहाँ जाते हैं। जियो मिंग इनयांग फैमिली की तरफ से लीग में हिस्सा ले रहा था, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इनयांग फैमिली जियो मिंग को अपनी टीम में शामिल कर लेंगे, अब ये लीग काफी खतरनाक होने वाली है। दूसरा आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि फेंग यून रैंकिंग लिस्ट के 99 रैंक के किन यू ने जियो मिंग को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, तो मुझे नहीं लगता है कि जियो मिंग कुछ कर पाएगा। ये सब बातें सुनकर जियो मिंग को बहुत गुस्सा आता है। वो चेन से कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती करके बहुत ही बड़ी गलती की है और आज मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से हराऊंगा, जिससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मुझसे स्ट्रांग नहीं।
और चेन कहता है कि मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि नियांग फैमिली ने पैसे देकर एक लूजर को अपनी टीम में ले लिया है। अब उनकी टीम इस लीग को नहीं जीत सकती है। इससे एल्ड्रे यहाँ गुस्सा हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।